जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबरों की ओर। पूर्व सीएम उमा भारती मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग लगातार कर रही है। इसका जवाब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को सीधे शब्दों में दे दिया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी नहीं होगी, सरकार इसके बदले प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाएगी। नर्मदापुरम के माखन नगर पहुंचे सीएम ने कहा, पीने वाले तो जुगाड़ लगा ही लेते हैं, नशा नाश की जड़ है। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे अपना गाँव और प्रदेश नशा मुक्त हो जाएगा। सीएम ने ये बात माखन नगर में कही। वे राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती समारोह में पहुंचे थे। माखन नगर गौरव दिवस के मंच से मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार अकेले पूरे प्रदेश नहीं बना सकती, सरकार और समाज को मिलकर सोचना पड़ेगा। सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश का गेहूं निर्यात होगा दिल्ली में। इस सिलसिले में आज मीटिंग करने जा रहे हैं, दो बैठकें पहले भी कर चुके हैं। बचपन से हम एक पुष्प की अभिलाषा पढ़ते चले आ रहे हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीस चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ये कविता, ये गीत केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की फिजाओं में गूंजाए और वीर और क्रांतिकारियों के प्रति एक आदर का भाव पैदा किया। अब तक जो अपना बाबई था, अब मेरा तो पुराना नाता इसलिए है कि मैं बैलगाड़ी में बैठ के भी जेत से यहां आया हूं मंगलवार की बाजार करने। ये गौरव दिवस है। मैं देखिए, कोई सरकार अकेली पूरा प्रदेश नहीं बना सकती, सरकार और समाज को मिलकर सोचना पड़ेगा। बाबई का नाम माखन नगर था। एक भारतीय आत्मा थे दादा माखनलाल चतुर्वेदी। इस धरती की, इस माटी की सुगंध को पूरी दुनिया में फैलाया दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। अद्भुत प्रतिभा, लेकिन इस माटी की भी यह क्षमता थी कि दादा माखनलाल चतुर्वेदी पैदा हुए। इस माटी को प्रणाम करता हूं, दादा को प्रणाम करता हूं। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।